मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बातचीत करेंगे। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बातचीत की थी, जिसमें हैज है प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और हैज ही सी टी एक वचन के साथ प्रयोग होता है और वी यू दे के साथ जो है आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग होता है बहुवचन के साथ। तो आज नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे हम। नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। जो नहीं बड़े वाक्य होते हैं उसमें हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग होता है और नॉट के बाद जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे फर्स्ट वाक्य है मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गोन टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गोन टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जा चुके हैं, वी हैव नॉट गोन टू स्कूल। वी बहुवचन है हम, तो हैव का प्रयोग होगा वी हैव नॉट गोन टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गोन टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गोन टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गोन टू स्कूल। ही हैज नॉट गोन टू स्कूल। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, द पियन हैज नॉट रंग द बेल। द पियन हैज नॉट रंग आर यू एन जी रंग दी बेल। सूर्य नहीं निकल चुका है, द सन हैज नॉट राइजन। द सन हैज नॉट राइजन। द सन हैज नॉट राइजन आर आई एस ई एन। मैंने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव नॉट फिनिश्ड एफ आई एन आई एस एच ई डी फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है। वे पढ़ नहीं चुके हैं, दे हैव नॉट रीड। वे पढ़ नहीं चुके हैं, दे हैव नॉट रेट। उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, ही हैज नॉट चीटेड मी। ही हैज नॉट चीटेड मी। ही के साथ हैज का प्रयोग होगा और चीटेड धोखा देना सी एच ई ए टी ए डी चीटेड मी। उसने ताजमहल नहीं देखा है, ही हैज नॉट सीन दी ताजमहल। ही हैज नॉट सीन दी ताजमहल। तो प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस जो नहीं बड़े वाक्य होते हैं उनको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान चुका है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, आदि आते हैं। तो ये वाक्य थे, जैसे मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गोन टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जा चुके हैं, वी हैव नॉट गोन टू स्कूल थर्ड फॉर्म गोन। और वी कहाँ, वी हैव नॉट गोन टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गोन टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गोन टू स्कूल। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, दी पियन हैज नॉट रंग रंग तीसरी फॉर्म रंग दी बेल। सूर्य नहीं निकल चुका है, दी सन हैज नॉट राइजन। दी सन हैज नॉट राइजन। मैंने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। डब्ल्यू आर के वर्क फिनिश समाप्त होना, मैंने अपने कार्य समाप्त नहीं किया है, पूर्ण नहीं किया है। वे पढ़ नहीं चुके हैं, दे हैव नॉट रीड। वे पढ़ नहीं चुके हैं। उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, ही हैज नॉट चीटेड मी। ही हैज नॉट चीटेड सी एच ई ए टी ई डी चीटेड मी। हमने परीक्षा नहीं दी है, वी हैव नॉट टेकन दी टेस्ट। वी हैव नॉट टेकन दी टेस्ट। हमने परीक्षा नहीं दी है। उसने ताजमहल नहीं देखा है, ही हैज नॉट सीन दी ताजमहल। तो इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो टेंस होता है इसमें हैज हैव के बाद जो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग होता है, फिर उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मेरे बच्चों आपसे मिलेंगे हम इन वाक्यों के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। और कंटिन्यू आप लगातार जो है इन मानव विकास संगठन चैनल को आप देखते रहें, इन वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। यह आपका अपना चैनल है। जय हिंद।